समर्पण सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा खसरा एवं रूबेला टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग दिया गया। संबंधित संस्था के सदस्य अंजलि ओझा एवं स्वाति रघुवंशी एवं अन्य सदस्यों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी, साथ ही स्कूल के सभी बच्चों को संबोधित भी किया। टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी भी दी गई। साथ ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती राजेश्वरी ओझा, रेखा दाखड़, अजय पाटकर, रेखा शर्मा, सुनील सेंगर, रिंकू उपस्थित रहे। सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में मुख्य सहयोग लिटिल एंजल स्कूल का रहा। टीकाकरण करते हैं, सब कुछ दिन में ही बंद करते हैं ये विशेष रूप से। चलो ठीक है, क्योंकि कहीं कोई बच्चा ऐसा कोई बीमार, मैं आ रहा हूँ ना अभी थोड़ी देर से, फिर तू विजयवाली ले जाना। दिक्कत हो आज थोड़ा रोए जरूर होंगे, उसके लिए हम सब चलो ठीक है माफी, पर आप लोगों के लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, होते बीमार होते क्या होता, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सुन जाता है ना, बार बार सुई लगती है, तकलीफ होती है ना, इसलिए अब आपको जो एक बार सुई लग गई ना, तो इससे क्या आप लोग बीमार नहीं होंगे। ठीक है, एक बार सुई लग गई इसलिए बीमार नहीं होंगे। दूसरी बात बेटा, आप लोग क्यों बीमार होते मालूम है, बच्चे अधिकांश बताओ क्यों होते हैं बीमार, अधिकांश बीमार बच्चे इसलिए होते हैं गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं। इसलिए मैं साथ में एक बात जोड़ दे रहा हूँ, जब भी आप खाना खाओ, पानी पियो, खेलने के बाद कैसे हाथ धोगे, कैसे हाथ धोगे, कैसे हाथ धोगे, और जो आपको इंजेक्शन लगवाना उससे आप बीमार नहीं होगे, बीमारियों से आपकी रक्षा करेगा वो इंजेक्शन। ठीक है।